वेलकम टू इटरनल फूडी चैनल। मैं आरती, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता समोसे की रेसिपी। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये 1/2 चम्मच अजवाइन, इसे हमें इस तरह क्रश करके डालना है। ये 4 चम्मच घी, इसे मेल्ट करके लिया है तो इसे भी डाल देंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। इस तरह इकट्ठा होने लगेगा तो यानी कि ये आटा तैयार है गूंदने के लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और आटे को गूंद लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें सब आटा ही गूंदना है। यहाँ पर यह आटा तैयार है। अब हम ढक्कन रखकर इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अंदर का मसाला तैयार कर लेंगे। तो पैन में डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, ये क्रश किए हुए धनिए के बीज, 2 हरी मिर्च, इसे मिक्सी से चला के लिया है, कुछ ग्रेटेड अदरक, 1 चम्मच सौंफ। अब हम सभी चीज़ों को भून लेंगे। इसे भूनने के बाद अब मसाले डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे। मसाले भूनने के बाद डाल देंगे फ्रेश बॉइल मटर। मटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर मिक्स होने के बाद अब ये बॉइल एंड मैश किए हुए आलू डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 4 आलू लिए हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है सभी मसालों के साथ। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नींबू का रस डाल के फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये आलू का मसाला तैयार है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम आटा चेक कर लेते हैं और इसे 2-3 बार मसल लेंगे। अब हमें आटे के इस साइज के पोर्शन बनाने हैं, तो मैंने सभी आटे के इक्वल साइज के पोर्शन तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक पोर्शन लेके उसे चिकना कर लेंगे और अब इसे बेलन से बेल लेंगे। ज़्यादा भी पतला या फिर मोटा नहीं बेलना है। इस तरह मैंने इसे बेल लिया है। अब हम नाइफ से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब एक शीट से 2 समोसे तैयार होते हैं। अब मैंने ये एक आधी शीट ली है, जहाँ से हमने शीट को कट किया था उस साइड को पानी लगाना है और फिर इस तरह एक साइड को आधे तक लाना है, फिर दूसरी साइड को भी आधे तक लाना है और नीचे का जो कोन है उसे अच्छे से बंद करना है और अब इस तरह इसे अच्छे से सील करना है। अब इस कोन में आलू का मसाला भर देंगे। 2-3 चम्मच ही भरना है, ज़्यादा भी मत भर देना, फिर सील करते समय प्रॉब्लम हो जाता है। और अब सभी साइड में पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब इस तरह इसे बंद करना है। इसे बहुत ही अच्छे से बंद करना ज़रूरी है, वरना जब हम तेल में फ्राई कर लेंगे तब ये लीक हो जाता है। तो ये हमारा समोसा तैयार है। और एक समोसा तैयार करके दिखा देती हूँ।
जहाँ से कट किया था उसे पानी लगाना है। फिर एक साइड को आधे तक लाना है। फिर दूसरी साइड को भी पहले वाली साइड के ऊपर रखना है। नीचे से अच्छे से बंद करना है और फिर साइड को अच्छे से सील करना है। अब आलू मसाला भरकर इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और फिर सभी साइड को पानी लगा लेंगे और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। तो ये दूसरा भी समोसा तैयार है। इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पहले 6 समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर रखा था। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब हम एक एक करके समोसा डाल देंगे। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसी तरह का तेल हमें समोसा फ्राई करने के लिए चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और अब 2 मिनट होने के बाद समोसे को पलट देंगे। जब हम समोसे को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तभी हमारे समोसे खस्ता बनेंगे, बिल्कुल हलवाई जैसे। 2-3 मिनट होने के बाद समोसे को पलट देना है ताकि समोसे इवनली फ्राई हो जाए। आई नो इसे फ्राई करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, बट फ्रेंड्स गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई बिल्कुल नहीं करना है। हर 2-3 मिनट के बाद समोसे को पलट देना है। अब आप देख सकते हो इसे कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल हलवाई जैसे लग रहे हैं। इसे इस तरह फ्राई करने के लिए मुझे करीब 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाती हूँ और इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल हलवाई जैसे बने हैं। आप इसे लाल चटनी या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। सो आई होप आपको एक खस्ता समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। गुड बाय एंड टेक केयर।